बालोदा बाजार में पिछले दिनों हुई घटना को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इसी कड़ी में मुंगेली में भी कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता का जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं बेमेतरा के पूर्व विधायक ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी यह सरकार आती है पूरी तरह से कानून व्यवस्था ठप पड़ जाती है। वहीं कहा कि भाजपा सरकार चाहती तो इतनी बड़ी घटना होती ही नहीं। लगातार समाज के माध्यम से, चूंकि समाज आहत हुआ था, लगातार समाज के माध्यम से मांग की जा रही थी। सभी जिला मुख्यालय में समाज के पदाधिकारी जाके ज्ञापन भी सौंपे और जब ऐसा देखा कि उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, सरकार मामले की लीपापोती कर रही, तब मजबूरी में जाके समाज के द्वारा आंदोलन किया गया था। और जब समाज के उस आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, समाज के लोगों को परेशान करके जबरदस्ती उनको एक खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। आज उसी की सीबीआई जांच के लिए हम ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होगी। जब सीबीआई की जांच होगी शुरू से लेकर अंतिम तक पूरे घटनाक्रम की, तो अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।